हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट आई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, जहां पर डेमो क्वेश्चन बुकलेट जारी कर दिया गया है और नेगेटिव मार्किंग जो है, अंक निर्धारण जो है वह किस तरीके से ये लोग करेंगे, तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पर डेमो के रूप में दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। आपको पता है कि जो है एक आपका कॉमन पेपर होगा और दूसरा जो है वो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ इन्फॉर्मेशन, डेमो कॉपी ऑफ क्वेश्चन बुकलेट फॉर स्कूल टीचर रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ सबसे नंबर वन पर जो दिया गया है कॉमन पेपर, जो सभी का समान होगा। तो ये कॉमन पेपर की जो है वो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट, जो कि आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो पेपर है सभी के लिए जो समान रहेगा, लैंग्वेज का पेपर वन, जहां पर इन्होंने जो है देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि पार्ट वन कंटेन क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट वन में इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे जो कि सभी के लिए कॉमन होंगे, सभी को करने होंगे। और पार्ट टू जो है वो लैंग्वेज होगी जो कि आपने फॉर्म में भरी है, जैसे हिंदी है, उर्दू है या बंगाली है। ठीक है, इसमें से एक ही जो है वो आपको, एक के ही क्वेश्चन आपको करने हैं। ये भी इन्होंने दिया है कि पार्ट वन जो है यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक जो कॉमन क्वेश्चन रहेंगे जो सभी को हल करने हैं, और पार्ट टू में जो है वो हिंदी के क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हैं हिंदी के क्वेश्चन 26 से लेकर 100 तक होंगे, और उर्दू के क्वेश्चन जो है वो 26 से 100 तक होंगे, बंगाली के जो है वो 26 से 100 तक होंगे। तो आपने जो अपनी लैंग्वेज चूज की है उसी का जो है वो आपको करना है। ठीक है, एग्जाम में जो है वो ब्लू और ब्लैक बॉल, जो बॉल पेन है उसी का यूज करेंगे। यहाँ हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में भी आप देख सकते हो कि भाषा रहेगी आपका पहला पेपर, मैक्सिमम 100 मार्क्स जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी के लिए ये पेपर जो है वो समान रहने वाला है। भाग एक में प्रश्न संख्या 1 से 25 तक रहेगा और भाग दो जो है हिंदी में प्रश्न संख्या, तो आपका जो लैंग्वेज है उसी को आप सॉल्व करेंगे। भाषा एक के प्रश्नों के उत्तर दें एवं भाग दो से 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जो है इंस्ट्रक्शन पहले से ही दे रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 पूरे 100 ही करके आएंगे। आपने जो कॉमन है इंग्लिश का वो सभी को करना है, और उसके बाद अपनी भाषा को चुनके उसी के क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से रहेगा कि पार्ट वन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 25 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको करने हैं। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है पार्ट टू हिंदी में आपको यहाँ से मिलेगा 26, 27 और 100 तक मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही उर्दू के जो है आपको 26 से लेकर 100 तक मिलेगा, फिर बंगाली के मिलेंगे। सेकंड जो पेपर होगा जो कि आपके सब्जेक्ट का रहेगा, यहां पर जो है जनरल स्टडीज और सोशल साइंस पेपर है, जनरल स्टडीज सब्जेक्ट पेपर है, और जनरल स्टडीज सब्जेक्ट साइंस मैथमेटिक्स पेपर है। तो मैं आपको एक ओपन करके दिखा देती हूँ, SST का जो है वो ओपन करके। तो यहाँ पर देखिए जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस का पेपर, ये आपका जो है 120 मार्क्स का आपका पूछा जाने वाला है। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और मोस्टली बच्चों को जो है वो पता भी होगा। तो चलिए हिंदी वाला जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। अभी नेगेटिव मार्किंग जो है इन्होंने शो की है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। भाग एक जो है वो सामान्य अध्ययन में प्रश्न संख्या 1 से 40 तक, भाग दो इतिहास में, बहुत ध्यान से ये देखना है, ऐसा नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सभी के क्वेश्चन आप कर देंगे। इतिहास में प्रश्न संख्या जो है 1 से 40 तक, भाग दो में भूगोल के रहेंगे, भाग तीन में अर्थशास्त्र के, और उसके बाद जो है भाग तीन जो आगे रहेगा राजनीति शास्त्र में जो है प्रश्न संख्या P1 से P40 तक रहेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखो फोर नंबर जो कि इम्पोर्टेंट है और गलती नहीं करनी है एग्जाम में। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर दें, सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, 2 विषयों के उत्तर ही देने हैं, जिसमें से एक विषय इतिहास होना चाहिए या भूगोल होना चाहिए। ठीक है, कैसे, जैसे आप जो है वो एक जो है इतिहास के प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में आपने जो है वो अर्थशास्त्र के प्रश्न कर लिए, ऐसे कर सकते हो, है ना। और अगर किसी स्टूडेंट को इतिहास के प्रश्न नहीं करने हैं, उसको भूगोल के प्रश्न करने हैं, तो भूगोल के प्रश्न कर सकता है, और साथ में जो है वो अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र का कर सकता है। ठीक है, जैसा उसको, जैसे उसने तैयारी की है। तो इस चीज को जो है विशेष ध्यान रखना है एग्जाम में। सामाजिक विज्ञान के 4 विषय में से किसी 2 विषय के उत्तर देने हैं, जिसमें कंपल्सरी है एक विषय इतिहास या भूगोल। ठीक है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के जो है वो प्रश्न कर डाले, तो तैयारी जो है वो आप उसी तरीके से कर भी रहे होंगे। यहाँ पर जो है वो काला और नीला स्याही का बॉल पॉइंट पेन जो है वो आपको
यहाँ पर कहा गया है, निर्देश दिया गया है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए जो है आपका 1/4 अंक जो है वो काटा जाएगा। कई एग्जाम में देखते हैं 1/3 अंक काटा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने बताया कि 1/4 अंक जो है वो दंड के रूप में काटा जाएगा। तो एग्जाम में जो है इस तरीके का आपको जो है वो मॉडल मिलेगा जो कि बीपीएससी ने यहाँ पर जारी किया गया है, तो आप थोड़ा सा वो देख लेंगे तो तैयारी इसी तरीके से आपकी होती रहेगी। जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होंगे आपके 40 तक, उसके बाद जो है वो हिस्ट्री, नेक्स्ट ज्योग्राफी के, फिर इकोनॉमिक्स के, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के होंगे, ठीक है। तो इनमें से जो है वो दो ही सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से जो है वो जरूरी है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक तो होना ही चाहिए। तो और भी अगर कोई जो है अपडेट आती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी पीआरटी का जो है इन्होंने कॉमन पेपर और सब्जेक्ट पेपर जो है वो नहीं डाला है, जैसे ही डालते हैं मैं आप लोगों को बता दूंगी। थैंक यू।